हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जितनी कंफ्यूजन टैली प्राइम के अंदर जनरल वाउचर को लेकर के है, उससे कहीं कम कंफ्यूजन पेमेंट वाउचर को भी लेकर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि पेमेंट वाउचर का यूज कैसे करना है और कहां कहां गलतियां आप करते हैं जिसके वजह से आपको दिक्कत होती है। आज ये सारी चीजें जानेंगे, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है ईवे बिल नाम, तो चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं और इसी के अंदर हम कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी पेमेंट करने की बात आती है तो पेमेंट कब करेंगे, तो जनरल देखिए बहुत जनरल सी बात है, जनरल वे में आप पेमेंट कब करेंगे, जब आप किसी से सामान परचेज करेंगे या आप जब किसी को पैसा देंगे तो किस एवज में दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उससे लेंगे तभी तो देंगे, तो इसी एवज में आप पेमेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप पेमेंट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैसे किया जाए, तो वी बटन प्रेस करते हैं और ये है पेमेंट वाउचर। F5 प्रेस करके आप चाहे तो पेमेंट वाउचर में आ सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन सारी शुरू हो जाती है कि आखिरकार पेमेंट कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, DR का मतलब होता है डेबिट। अब आप कंफ्यूज हैं, यहाँ डेबिट है क्रेडिट है, मैंने तो कभी डेबिट और क्रेडिट सीखा ही नहीं, तो फिर हम कैसे टैली सीख पाएंगे, कैसे पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर पाएंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट, आपको डेबिट क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, जितना बता रहा हूं उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, तो वी बटन प्रेस करके अभी परचेज वाउचर में आते हैं, पेमेंट में फिर बाद में चलते हैं, पहले परचेज में आते हैं। तो आपको एक सप्लायर द्वारा बिल मिलेगा, जैसे आप प्रोडक्शन का काम नहीं करते, याद रखिएगा, हम ऐसा थोड़ी ना कि चीनी अपने घर बनाते हैं, दाल भी अपने घर बनाते हैं, सारी चीजें अपने घर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने से पहले परचेज कर लेते हैं, तो ये हमने सप्लायर द्वारा दिया गया बिल दिया, मतलब बिल पे जो एंट्री थी, जो नंबर था वो डाल दिया, वो डेट डाल दिया जिस डेट पर ये परचेजिंग हुई थी, और उस व्यक्ति का नाम, उस फर्म का नाम जहां से हमने परचेज किया था सामान, ठीक है। तो यानी कि जो बिल दिया गया है उस पर मॉर्निंग स्टोर का जिक्र है, तो यही वो होलसेलर पार्टी है हमारी, सप्लायर पार्टी है, मॉर्निंग स्टोर सप्लायर डाल देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये सप्लायर पार्टी है या नहीं है। और इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप हो गया, एंटर किया और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये सब हो गया। अब एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, यहाँ से एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर, तो एंटर प्रेस करके परचेज का लेजर बना लीजिए, एंटर कीजिए यहाँ पे पी प्रेस कीजिए ताकि परचेज का ग्रुप शो हो जाए, परचेज अकाउंट डाल करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं, तो स्टॉक आइटम में मान लीजिए हमने बना लिया राइस, RICE राइस कर दिया। अब राइस बिकेगा तो यहाँ यूनिट बनाना जरूरी, तो यहाँ से क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे, यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है तो केजी कर देते हैं, केजी माने किलोग्राम, आप जानते ही हैं, यहाँ पे लिख भी दीजिए किलोग्राम, तो ये किलोग्राम हो गया, और यहाँ के प्रेस करते हैं केजी हो जाएगा, और यहाँ पे किलोग्राम कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये एंटर हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट कराया। अब मान लीजिए 60 किलो चावल परचेज हो रहा है और खरीद का रेट 30 रुपए किलो के हिसाब से है, 30 रुपए किलो यहाँ करेंगे 30, तो यहाँ 30 कर दिया, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे कितने का बिल, अब मैं इसमें GST भी नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, देखिए 1800 रुपए की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ नरेशन में डाल देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये ऑन क्रेडिट कर दिया, यानी उधार की बात करी जा रही है। जब भी यहाँ सप्लायर पार्टी का नाम आ जाएगा ना पार्टी अकाउंट नेम में, तो समझ लीजिएगा कि ये उधार की परचेजिंग है। कैसे पता लगाएं, तो यही पार्टी का नेम आएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब 1800 की परचेजिंग हुई है, हम खरीद के लाए हैं, अब इसको हम बेचेंगे, लेकिन बेचने से पहले हम पेमेंट वाउचर की बात करेंगे, बेचना तो है ही नहीं अभी, तो इसमें हमको खाली पेमेंट के बारे में बात करना है, तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करके चलते हैं पेमेंट वाउचर में, और ये आ गया पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पे देखिए डेबिट दिख रहा है आपको, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। सप्लायर पार्टी का नाम क्या है, मॉर्निंग स्टोर सप्लायर, यही ना है, इन्हीं से तो सामान परचेज करके आया है, उन्हीं का बिल नंबर हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं, लगा दिया। कितने का यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे 1800 दिखाई दे रहा है ना, तो ये यहाँ पर आपको 1800 डाल देना है, यानी इनको 1800 रुपए दिए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर AGST रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी जो बिल इन्होंने दिया है उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट हो रहा है। देखिए बिल नंबर वही दिखा रहा है 4534, जो हमने दिया था वहां पे परचेज वाउचर में वही बिल नंबर है, एंटर करेंगे और ये हो जाएगा। आप कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, खाते से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हमारे पास कैश है नहीं, शॉर्टेज है, यहाँ पे रेड में ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज है। देखिए यहाँ पे दिखाएगा भी नेगेटिव कैश, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं,
ठीक है, हालांकि आपको ऐसा काम करना नहीं है, नेगेटिव वाली एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आपको ये पेमेंट से दिखाने से मतलब था, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो गई। अब अगर दोबारा इसी लेजर को लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो बैलेंस दिखाएगा। तो आपको एक तो पहलू समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर में क्यों एंट्री पास करी जाती है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगले जो कंफ्यूजन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इससे काफी आपका काम आसान हो जाएगा। जनरल मैंने बता दिया कि क्यों पेमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है।